I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. विश्वा, ये तुमने क्या गजब कर डाला? टक्कर से बदला लेने की खातिर तुमने गरीब और मासूम बच्चों के पीने वाले दूध को बर्बाद कर दिया। दूध को बर्बाद करने से गरीब और मासूम बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच गईं। उस दूध में एक खतरनाक जहर की मिलावट थी जो तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री से आया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो। शारदा देवी ने तुम्हारी जान बख्शकर तुम पर एहसान किया है और उस एहसान का बदला चुकाने के लिए तुम्हारे दिल और दिमाग में बदले का जहर भर दिया उस नागिन ने। विश्वा, शारदा देवी के लिए नागिन का लफ्ज फिर से इस्तेमाल किया, तुम लौड़ियों के साथ तुम्हें भी खाई में फेंक दूंगा। विश्वा, एक औरत को नागिन कहकर औरत साथ का अपमान मत करो। औरत माँ होती है, माँ आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल देती है। माँ नफरत नहीं, प्यार सिखाती है। वो जुल्म और अत्याचार नहीं, अमन और शांति का पैगाम देती है। माँ नाम है बलिदान का, कुर्बानी का, और उसकी जीती जागती तस्वीर है शारदा देवी, जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया है। वो मेरी जननी है, मेरी माँ है। माँ, हरामखोर, तूने अपने बाप को थप्पड़ मारा? पिताजी, मैंने तो आप ही की आज्ञा का पालन किया। आपने खुद ही कहा था जो कोई भी लाल फोन उठाए थप्पड़ मार मार के उसका गाल लाल कर देना। आपका हुआ कि नहीं? मेरी आज्ञा के पालन का मतलब तू मुझको थप्पड़ मारेगा? अच्छी बदसूर, अभी बता दो उसको। रॉन्ग नंबर। मैं शेरू बोल रहा हूँ। उस विश्वा के बच्चे ने हमारी 10 की 10 लारियों को दूध के डब्बों समेत टक्कर मारकर पहाड़ी के नीचे ढकेल दिया। उसने हमारी 10 की 10 लारी को टक्कर मार के नीचे ढकेल दिया? हाँ, पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दूं? नहीं नहीं, कंप्लेंट मत लिखाना। तुम एक काम करो, तुम यहीं आ जाओ। आप लोगों, ये मिशन है तो बहुत खतरनाक, लेकिन इस काम को हिंदुस्तान में सिर्फ ठक्कर ही कर सकता है। ठक्कर की टक्कर में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। वेल मिस्टर ठक्कर, माना कि आप बहुत होशियार है, मगर ये डायनामाइट, मशीन गन, LMG, हैंड बम्स वगैरह वगैरह, ये सब कैसे जाएगा? जाएगा मिस्टर रेड ब्लड, 100% जाएगा। यस, मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी की 100 लारियां अनाज के नीचे स्मगलिंग का सामान ऐसे छुपा के ले जाती हैं जैसे औरतें मेकअप के नीचे बुढ़ापे की झुर्रियां छुपा के ले जाती हैं। मगर सुना है कि इंडिया का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बहुत चालाक है। अगर कभी कोई लारी पकड़ा गया तो? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं मिस्टर स्मॉल, और अगर इत्तेफाक से हो भी गया हमारा नाम नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तमाम लॉरियां बेनामी हैं। व्हाट इज बेनामी? बेनामी मींस वो तमाम लॉरियां जो हैं वो हमारे नाम पर नहीं है, हमारे ड्राइवरों और क्लीनरों के नाम पर है। और अगर इत्तेफाक से वो लॉरियां हथियारों के साथ पकड़ी जाती हैं तो वो लोग भन जाएंगे, हमारे नाम पर कानून की खराश तक नहीं आएगी। एक्सीलेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट मिस्टर ठक्कर। वेल, दिस इज एडवांस। थैंक यू मिस्टर ठक्कर जी। हथियार पहुंचने के बाद में आपको इस तरह के 100 बैग और पहुंचा दिए जाएंगे। ओके, सिकंदर लाल ठक्कर का खेल खत्म करने का एक ही रास्ता है, उसकी बेनामी लॉरियों की फाइल। और उस फाइल को हासिल करने के लिए हमें उसके क्लब में जाना होगा। बस, लता, पिताजी, क्या इस तरह नाचने में शर्म नहीं आती? विश्वा, चलो मेरे साथ। लता, पिताजी, मेरी बात सुनिए। लता, लेकिन आज तू एक शराबी के साथ, एक जलील ड्राइवर के साथ भरी महफिल में नाच रही थी। मैं जान दे दूंगा बेटी, लेकिन अपनी इज्जत को इस तरह खुलेआम बर्बाद नहीं होने दूंगा। नहीं पिताजी, मैं आपकी इज्जत बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप बरसों से अपनी इज्जत खुद बर्बाद कर रहे हैं। आपकी नजरों में वो लोग अच्छे हैं जो अपनी देश की दौलत को विदेशों में छुपा कर रखते हैं। उन जैसे नीच लोगों से रिश्ता जोड़ना आपकी नजरों में इज्जत की बात है, मगर अपनी हिम्मत के पैरों पर खड़े एक देश प्रेमी से रिश्ता जोड़ना आपकी नजरों में गुनाह है, पाप है। पिताजी, एक बात और बता दूं, आप जिसे 2 कोड़ी का ड्राइवर समझ रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो विश्वा है, कानून की रखवाली करने वाली शारदा देवी का बेटा। क्या? वो? हाँ, और मैं उसके साथ क्यों नाच रही थी, क्यों गा रही थी, अगर ये राज आपको जानना है तो अपने दोस्त सिकंदरलाल ठक्कर की बर्थडे पार्टी पे आ जाइए, तो सच्चाई क्या है आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। ठक्कर साहब जिंदाबाद, ठक्कर साहब अमर रहे, ठक्कर साहब जिंदाबाद, ठक्कर साहब अमर रहे। मुबारक हो ठक्कर साहब, मुबारक हो। अपनी सालगिरह की मुबारकबादी के साथ साथ एक और मुबारकबादी भी कबूल कर लीजिए। एक और मुबारकबादी? वो क्या है? वो ये है कि आज से आपकी 100 लॉरियां आपके कब्जे से जा रही हैं,
इतने बड़े बोझ से आज आप हमेशा के लिए आजाद हो गए, उसी की मुबारकबादी दे रहा हूं ठक्कर साहब। अच्छा, मेरी 100 लारियां मेरे कब्जे से जा रही हैं, किस खुशी में? खुशी की बात है ठक्कर साहब, क्योंकि आपने अपनी 100 लारियां अपने नाम नहीं, अपने ड्राइवरों और क्लीनरों के नाम कर दी है, और उनका हिसाब आप सरकार को नहीं दिखाते, इस खुशी में। अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तमाम लारियां मेरे नाम की नहीं है? या, 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 या। मैं बिना सबूत के कोई काम नहीं करता ठक्कर साहब। ये रहा सबूत जो ये साबित करेगा कि आपकी तमाम लॉरियां गैर कानूनी और बेनामी हैं। अपने हाथ में रहो वरना बर्बाद करके रख दूंगा। इन्हें बाद में बर्बाद करना मिस्टर सिकंदर लाल कट्टर। सॉरी ठक्कर, पहले अपनी बर्बादी के जश्न में आए हुए इन मेहमानों का स्वागत तो कीजिए, या आपके महफिल में बर्बादी का चिराग जलाने आए हैं। आइए ऑफिसर साहब आइए, यही है मिस्टर सिकंदर लाल हटकर। नहीं ठक्कर, मिस्टर सिकंदर लाल ठक्कर, वी आर फ्रॉम विजिलेंस डिपार्टमेंट। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमें खबर मिली है कि आप गैर कानूनी तरीके से लॉरियों के मालिक हैं, और ये तमाम लॉरियां आप बेनामी तरीके से चला रहे हैं। अरे नहीं नहीं ऑफिसर साहब, आपको गलत खबर मिली है। ठक्कर साहब को अपने गरीब ड्राइवरों और मुफलिस क्लीनरों से इतना प्यार है कि इन्होंने फाइनेंस करवा के इन सबको इनकी नाम की लॉरियां खरीद खरीद कर दी हैं। सबूत के तौर पर ये फाइल देख लीजिए, कोई गाड़ी बेनामी नहीं, सभी ड्राइवरों के नाम पर है। क्यों ठक्कर साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहा है बिल्कुल। अरे क्या सोच रहे हो साहब, अब भी अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी और इसी वक्त मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिनके नाम पर लॉरियां हैं, और वो अपनी गाड़ी लेकर चले जाएंगे। वो क्या है कि ये सब लोग ठक्कर साहब की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए अपनी अपनी गाड़ियां इनके घर के सामने रखते हैं। देखेंगे। अरे भाई नरेश। हाँ जी। फरीद राम आया भैया। फरीद, अरे चलो भाई अपनी अपनी गाड़ियां ले जाओ, नहीं तो ठक्कर साहब नाराज हो जाएंगे। हाँ ठक्कर साहब, हमें गलत खबर मिली थी, हम जा रहे हैं। नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है, अब सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपका नाम सिर्फ सिकंदर लाल ठक्कर नहीं, आप दिल के भी सिकंदर हैं। आपने अपने नौकरों को 100 लॉरियां दान में दे दी। अच्छा ठक्कर साहब, ठक्कर साहब नमस्ते, चलते हैं, अगली बर्बादी में मिलेंगे, लटकाइए। आप भगवान का रूप है, हनुमान जैसे। जय हनुमान। नमस्ते, चलो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ठक्कर साहब, आपकी सारी लारियां एक साथ चले जाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। ईश्वर प्रसाद, अपना दुख और अपनी झूठी हमदर्दियां संभाल कर रखना, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे बहुत काम आएंगी। ये सब तुम्हारी बेटी की चाल थी, उसे दो कोड़ी के ड्राइवर के साथ मिलकर आज हमारा करोड़ों का नुकसान करवा दिया है। आप गलत समझ रहे हैं, वो कोई मामूली ड्राइवर नहीं है, दरअसल वो जस्टिस शारदा देवी का बेटा है। विश्वा जस्टिस शारदा देवी का बेटा है? जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरा होने वाला दामाद है। अच्छा मैं चलता हूँ। पिताजी, इसने तो हम सबका टाइप बिगाड़ दिया, 100 लारियां सरकार के पास चली गई और ये जा रहा अपने होने वाले दामाद के पास। मैं अब कहाँ जाऊँ, मेरी शादी का क्या होगा? मरता क्यों है? तेरी शादी होगी और इसी लता से होगी, मगर इससे पहले इन लोगों से निपटना होगा। आज हिम्मत विश्वा की है और दिमाग जस्टिस शारदा देवी का। अब देख दिमाग से दिमाग को मारकर हिम्मत के हाथ में हथकड़ी कैसे पहनाता हूँ। ये विश्वा अभी तक क्यों नहीं आया, क्या वक्त हुआ? वक्त तुम्हें मैं बताता हूँ जस्टिस शारदा देवी, इस वक्त ठीक रात के 8:40 हुए हैं, और ये मेरा हमेशा तुम्हारे घर में आने का वक्त है। इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? 25 साल पहले मैंने जो गलती की थी, उस गलती को आज सुधारने आया हूँ। उस रोज तुम्हारी गोद से छोटे से सपोले को खिड़की से फेंकवा कर मैंने देखा नहीं था कि वो जिंदा है या मर गया, मगर आज पता चला कि वो मरा नहीं जिंदा है, और सर में कानून का जहर लेकर घूमने वाली इस नागिन की छत्र छाया में पल रहा है। बिल्कुल
सही कहा तुमने, मगर अब वो सफोला नहीं रहा बल्कि नाग बन चुका है। शंकर भगवान के गले वाला नाग जो पापियों को ढूंढ ढूंढ कर डसता है। अच्छा? और तुम बहुत मुद्दत तक अपने गुनेगार चेहरे पर झूठ के चादर चढ़ाकर बचते रहे, मगर अब तुम्हारे चेहरे से चादर हटने का वक्त आ गया है। अब अगर तुम ये दुनिया छोड़कर भी भाग जाओ तो विश्वा तुम्हें उस दुनिया में आकर मौत की नींद सुला देगा। सगन्ना लाल ठक्कर जैसे को मौत की नींद सुनाना इतना आसान काम नहीं है। इस ठक्कर से तो मौत भी टक्कर लेते हुए कांपती है, और अगर इत्तेफाक से मौत करीब आती भी है तो अपनी चाल की जाल में उसे ऐसे फांस लेता है जैसे आज मैं तुम्हें फांसने आया हूँ। इस बार मुझे मौत से तुम बचाओगी और देखो अपने चाहने वालों को अपने घर में न पाकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिंदा सही सलामत मेरे पास हैं। और अगर तुम उनको हमेशा के लिए जिंदा देखना चाहते हो तो एक काम करो, इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर मेरे आदमी कार लिए खड़े हैं, चुपचाप उस कार में जाकर बैठ जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे चाहने वालों तक पहुंचा देंगे। तुम्हारा और तुम्हारे चाहने वालों की भलाई चाहने वाला तुम जानते हो कौन। चिराग बुझने से पहले जैसे फड़फड़ाता है वैसे लगा एक बेवकूफ इंसान जिसने अपनी कब्र खोदकर खुद को दफन कर लिया, बिल्कुल वैसे लगा। तुम सिर्फ सड़कों पे लारी तेज नहीं चलाते हो बल्कि मुंह के मैदान में जबान भी काफी तेज चलाते हो। आपकी अदालत में इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टियां बांधी जाती हैं, मगर मेरी इस अदालत में आपकी जबान पर ताला लगाया गया है। खामोशी से सुनिए, इस गद्दार ने मुझे बहुत धोखे दिए हैं। मंडप से मेरी होने वाली बहू को भगा कर ले गया। अगर इस जुर्म में मैं इसकी टांगों को तोड़वा दूं तो आप अपने कानून दफा 302 के तहत मुझे मुजरिम करार देने का कोई हक नहीं रखती है। इसने इन हाथों से मुझ पर कातिलाना हमला किया, और अगर मैं इसके इन हाथों को तोड़ दूं तो आप अपने कानून के 101 के तहत मुझे मुजरिम करार देने का कोई हक नहीं रखती। इसके बाद इसने मुझसे मेरी 100 लारियां छीन ली, अरे इसकी गर्दन काट कर इसकी जान ले लूं तो आप अपने कानून के दफा 302 के तहत मुझे सजाए मौत देने का कोई हक नहीं रखती। लेकिन अगर ये मेरा सिर्फ एक काम करे, इस मुल्क में दहशत फैलाने के लिए खतरनाक हथियारों से भरी हुई लारी को सड़क के पार ले जाए, मैं जुर्म माफ कर दूंगा। और मैं ये भी जानता था कि ये इस काम के लिए राजी नहीं होगा, इसीलिए मैं इसकी माँ और उसकी माशूका को अगवा करके ले आया, और अगर इसके बावजूद ये इस काम के लिए राजी नहीं हुआ तो मैं दोनों को कत्ल करवा दूंगा और इन दोनों के इतने छोटे छोटे टुकड़े करवा दूंगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि माँ का टुकड़ा कौन सा और माशूका का टुकड़ा कौन सा है। अरे ठक्कर, कत्ल की धमकी किसको देता है? देश को गद्दारों के हाथ बेचकर हम जिंदगी खरीदने वालों में से नहीं है। विश्वास देशभक्त है, प्यार और ममता के लिए अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं करेगा। मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत देशभक्त किस्म के लोग हैं, मगर मेरे पास कुछ ऐसे तोहफे हैं जो मैं देशभक्तों को पेश करता हूँ तो वो सीधे वफादारी से गद्दारी भी उतर आती है। नमूना पेश करूं? ए, हमारे बर्थडे का केक लाओ तो। अगर तुमने मेरा काम करने से इनकार किया तो तुम्हें भी दो कॉफिन तोहफे में पेश किए जाएंगे। एक में तुम्हारी माँ की लाश होगी और दूसरी में लता की लाश होगी। और अगर तुमने मेरा काम किया, हथियारों को सरहद के पार पहुंचा दिया, तो दोनों को सही सलामत तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। बड़ा आसान सा सौदा है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। That's it. लॉरी लेकर जाना कहाँ है? तुम सिर्फ लॉरी ले जाओ, कौन से रास्ते से जाना है, कौन सी मंजिल पे पहुंचना है, ये तुम्हें रास्ते में बता दिया जाएगा। Thank you.
लारी में क्या है? जी कबूतर। कबूतर? इसके पेट के अंदर क्या है? हेलो विश्वा। हेलो इंस्पेक्टर साहब। साहब ये विश्वा है, इसने हाईवे पर स्मगलिंग के बारे में कई बार खबर देकर हमारे डिपार्टमेंट की मदद की है। ये बड़ा अच्छा आदमी है। इसके अलावा ये ट्रक ड्राइवरों को ट्रक का मालिक बनाने वाला सोशलिस्ट है। हवलदार गेट खोल दो। ठहरो, चाहे ये कितना भी अच्छा आदमी हो लेकिन इस हाईवे पर स्मगलिंग जोरों से चल रही है, हम इसकी तलाशी जरूर लेंगे। हवलदार गाड़ी की तलाशी लो। विश्वा ट्रक चलाओ, तोड़ दो ये चेक पोस्ट। कम ऑन विश्वा, चले चलाओ। हथकड़ियां कैसे टूट गईं? ये देखकर ताज्जुब हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात सुनाने वाला हूं। वो सुनकर तुम्हारे शैतानी दिमाग पर ताज्जुब का एटम बम फट जाएगा। लेकिन ये सुनने से पहले तुम मेरी माँ और लता को आजाद कर दो। यहां तक वफादारी निभाते निभाते आखिर गद्दारी पर उतर आए। इस गद्दारी का अंजाम जानते हो? अंजाम की धमकी बाद में देना ठक्कर, इससे पहले एक बार केबिन की तरफ देख ले। इस वक्त तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर तुझे तेरे बेटे की जिंदगी प्यारी है तो मेरे लोगों को मेरे हवाले कर दे। अच्छी बात है, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। अपने लोगों को ले जाओ और मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। चलो साजन। Thank you.
औरत देखना चाहती है। गद्दार के नाम पर उस मासूम फरिश्ते का नाम मत रखना। किसी देशभक्त के नाम पर, मातृभूमि के नाम पर जान की बाजी लगाने वाले के नाम पर उसका नाम रखना बेटे, उसका नाम विश्वा रखना। सिकंदर लाल ठक्कर के जुर्मों की बुनियाद पर अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। जस्टिस शारदा देवी ने विश्व प्रताप के मुकदमे में जो फैसला सुनाया था, अदालत ने उसे हक बजानिब करार दिया। फिर भी विश्व प्रताप ने अपने जुर्म का इकबाल किया, अदालत ने उसे सजा दी, मगर वो बहुत जल्द सजा भुगत कर वापस आ गया। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।